नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल सेलर एंकर पे। मैं हूं आपका दोस्त, आपका साथी, आपका सलाहकार अभिषेक मिश्रा। दोस्तों आज की वीडियो में मैं बताने वाला हूं कि कौन सी कंपनी फरवरी बैच के लिए आ सकती है। मैं श्योर तो नहीं हूं कि 100% ये कंपनीज आएगी, बट मैं आज आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि कौन कौन सी कंपनीज आ सकती है और किस टाइप के शिप पे, अगर आप इनिशियल स्टेज पे अपना कैरियर बनाते हैं तो आपके फ्यूचर के लिए अच्छा है। तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और इस वीडियो में मैं आपको jobships.com की भी थोड़ी जानकारी दूंगा, लेकिन अगर आप ये वीडियो लास्ट तक देखेंगे तभी समझ में आएगा, बिकॉज लास्ट टाइम में जो वीडियो का एंड है अबाउट 2 या 3 मिनट की, मैं आपको स्लाइड्स दिखाऊंगा जिसमें jobships.com के बारे में मैं बताऊंगा। इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो नहीं किया तो फॉलो कर सकते हैं, मेरी इंस्टाग्राम की आईडी है abhishek.chiefofficer। सो वीडियो को मैं स्टार्ट करता हूं। देखो, जिन्होंने अगस्त में IIBCET के लिए अप्लाई किया था और जिनको स्पॉन्सरशिप नहीं मिली है, तो अब वो जाहिर सी बात है कि फरवरी वाले बैच के लिए ट्राई कर रहे होंगे, और क्यों नहीं करेंगे अगर उनकी रैंक IIBCET में अच्छी है। तो दोस्तों PIL पैसिफिक इंटरनेशनल लाइंस कंटेनर वेसल्स है, ये कंपनी IMI इंस्टीट्यूट में आती है, इंटरनेशनल मैरीटाइम इंस्टीट्यूट, और कुछ जो कैंडिडेट्स है ये चेन्नई से भी लेती है। तो इसके लिए आपको IMI जैसे इंस्टीट्यूट में कॉन्टैक्ट करना होगा, रजिस्ट्रेशन करवाना होगा और जो फीस है उनकी वो आपको पे करनी पड़ेगी, बिकॉज अगर आप डिले कर देंगे तो दोस्तों चांस निकल जाएगा। और इस इनिशियल स्टेज में 1,000, 1,500, 2,000 रुपए के लिए मत सोचिए, जो भी इंस्टीट्यूट की फीस है वो आप देकर रजिस्ट्रेशन जरूर करवा लीजिए। तो पहली बात तो ये आ गई, आपके पास नोटबुक और पेन है तो कंपनियों के नाम लिख लो जिससे आपको सुविधा रहेगी। MSC कंपनी अगस्त बैच के लिए आई थी, आई एम नॉट श्योर कि वो फरवरी बैच के लिए आएगी या नहीं आएगी, बट स्टिल यू ट्राई फॉर इट। अब मैं बताऊंगा अप्लाई कैसे करना है आपको। देखो, दो तरीके से अप्लाई करना है, एक तो इंस्टीट्यूट में अप्लाई करना है, दूसरा आप डायरेक्ट कंपनी को भी मेल कर सकते हैं, सो कंपनी विल गाइड यू कि आपको कैसे फॉर्म भरना है, वो पूरा आपको गाइडलाइंस दे देंगे। देखिए, जैसे कुछ इंस्टीट्यूट है लाइक ग्रेट ईस्टर्न और SCI, ग्रेट ईस्टर्न इंडियन कंपनी है, SCI भी इंडियन कंपनी है, इनके खुद के इंस्टीट्यूट है, एंग्लो ईस्टर्न इनके खुद के इंस्टीट्यूट है, बट कुछ कंपनीज हैं जिनके खुद के इंस्टीट्यूट नहीं है, वो दूसरे इंस्टीट्यूट में ट्रेनिंग के लिए भेजते हैं। जैसे कि मैंने अभी नाम बताया MSC मेडिटेरियन शिपिंग कॉर्पोरेशन, इनका खुद का इंस्टीट्यूट नहीं है, ये आपको दूसरे इंस्टीट्यूट में ट्रेनिंग के लिए भेजते हैं। तो दोस्तों आप डायरेक्ट MSC को भी मेल कर सकते हैं या फिर आप IMI में अपना रजिस्ट्रेशन करवा के उनका फॉर्म भर सकते हैं। तो IMI में 3 या 4 कंपनीज आती है जो कि TNS बैच के लिए स्पॉन्सरशिप देती है, तो उसके लिए आपको IMI का फॉर्म भरना होगा, उनका एंट्रेंस टेस्ट क्लियर करना होगा, फिर वो कंपनीज का टेस्ट दिला के आपको स्पॉन्सरशिप दिलाएगी। इंटरनेशनल मेरीटाइम इंस्टीट्यूट अच्छा इंस्टीट्यूट है, ग्रेटर नोएडा में है, बट आपको स्पॉन्सरशिप लेनी है अगस्त ये फरवरी बैच के लिए। दूसरी बात करते हैं ARI। ARI क्या है? अप्लाइड रिसर्च इंटरनेशनल, ये भी अच्छा इंस्टीट्यूट है, यहाँ पे भी काफी कंपनीज आती हैं, लाइक आपका ये फ्लीट मैनेजमेंट कंपनीज हो गई या फिर दूसरी है, ये सारी कंपनीज यहाँ आती है, तो यहाँ भी आप अपना रजिस्ट्रेशन करवा लीजिए अगर आपकी IIBCET में रैंक आई है तो रजिस्ट्रेशन करवा लीजिए। तीसरा मैं बोलूंगा आपको HIMT जो कि चेन्नई में है, वहां पे भी आप रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। पहले क्या था, अर्लियर डेज में BSM करके एक कंपनी है, बर्नार्ड शुल्टे शिप मैनेजमेंट, वो कंपनी क्या करती थी, उनका खुद का इंस्टीट्यूट था विश्वकर्मा मैरीटाइम इंस्टीट्यूट, वहां पे वो भेजा करती थी जो कि पुणे में था, पर वो इंस्टीट्यूट बंद हो गया है, तो दोस्तों वो अब HIMT कॉलेज में भेजती है। BSM भी बहुत अच्छी कंपनी है, बर्नार्ड शुल्टे, जिसके बारे में मैं पहले भी वीडियोस डाल चुका हूं, जिन्होंने GME और ETO कोर्स के लिए स्पॉन्सरशिप निकाली थी। कोई भी आप स्पॉन्सरशिप इंस्टीट्यूट से कंफर्म कर सकते हैं, इसके लिए आपको पता होना चाहिए स्पॉन्सरशिप क्या है। स्पॉन्सरशिप क्या है ये मैं पहले की वीडियोस में भी बता चुका हूँ। स्पॉन्सरशिप ये चीज होती है कि आप जब ट्रेनिंग करते हैं उससे पहले कंपनी आपको स्पॉन्सर्ड कर देती है कि हम अपने कैंडिडेट्स को इधर से ट्रेनिंग करवाएंगे, तो इसके बारे में मैं पहले भी एक्सप्लेन कर चुका हूँ, तो होपफुली ये आपको समझ में आएगा। तो आप इन इंस्टीट्यूट के लिए अप्लाई कर सकते हैं 1 नवंबर 2021 से, वो जो अगस्त में स्टार्ट होना था बैच,
या फिर अक्टूबर की किसी डेट से वो बैच स्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद फिर नेक्स्ट फरवरी की जगह शायद वो बैच मार्च में स्टार्ट हो, तो उसकी प्रोसेस चालू हो जाएगी। तो प्लीज आप इन कंपनीज में अप्लाई कर देना, SCI वगैरह भी निकालेगी, जो जो कंपनीज निकालती हैं उनमें अप्लाई जरूर कर देना। आगे मैं इस वीडियो में लास्ट में ये भी दिखाऊंगा कि jobships.com से आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं, jobships.com साइट से जाके कैसे अप्लाई कर सकते हैं, वो मैं वीडियो के लास्ट में दिखाऊंगा, तो वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। दूसरे अब बात करते हैं SCI जैसी कंपनी के। तो यहाँ पे दोस्तों आपको काफी डाउट होता है कि SCI कंपनी अच्छी है या नहीं है। सर मेरा SCI में हो गया है, मैं लू या ना लू? सर मेरा ग्रेट ईस्टर्न में हो गया है, मैं एडमिशन लू या ना लू? मैंने आपको पहले भी कहा था, इनिशियल स्टेज में आपका जिस भी कंपनी में हो जाता है, जहां भी हो जाता है, ट्रेनिंग जरूर करिए। ये SCI, ग्रेट ईस्टर्न, इन सबके पास अच्छे शिप्स हैं, बड़े बड़े शिप्स हैं। एक बार आप ट्रेनिंग कर लेते हैं, सेकंड मेट कर लेते हैं, उसके बाद आप बाहर की फॉरेन गोइंग कंपनीज में भी अप्लाई कर सकते हैं और आपका आसानी से सिलेक्शन हो जाता है। बट इनिशियल स्टेज इंपॉर्टेंट है आपके लिए। आपको जिस भी कंपनी से स्पॉन्सरशिप मिलती है दोस्तों, ले लो, पैसे पे मत जाओ, स्टाइफंड पे मत जाओ। ऐसा नहीं है कि आपको मान लो किसी कंपनी में $600 का स्टाइफंड मिल रहा है एज अ कैडेट, और ग्रेट ईस्टर्न या SCI में आपको इंडियन करेंसी में 20,000-30,000 जो भी आपको मिल रहा है, तो उस पे मत जाओ। आपको ट्रेनिंग खत्म करनी है, ट्रेनिंग कंप्लीट करने हैं। ऐसा एटलीस्ट आप उनकी तरह तो नहीं जिन्होंने पीसी ट्रेनिंग कर ली उसके बाद जॉब ही नहीं है, उस तरीके से तो नहीं हो। तो इसके लिए जो भी कंपनीज में आपको मिलता है तो उनमें सिलेक्शन आप करवा के एडमिशन ले सकते हैं। कुछ कंपनीज के नाम मैं बताता हूँ, इनकी ईमेल आईडीज पर आप ईमेल जरूर करते रहिएगा। SCI हो गया, ग्रेट ईस्टर्न हो गया, SR का तो मुझे आइडिया नहीं है, शायद SR बंद हो गई है, वो भी इंडियन कंपनी थी पहले, एक वरुण शिपिंग करके भी थी जिसके पास LNG वेसल्स हुआ करते थे, वो भी काफी अच्छी कंपनी थी, तो शायद वो भी बंद हो गई है। उसके बाद दोस्तों शेल हो गया, शेवरॉन हो गया, ब्रिटिश पेट्रोलियम हो गया, डायनाकॉम टैंकर्स हो गया, तो ये सारी गुड कंपनीज हैं। आप इनमें गुड वुड करके हो गया, जेलाराम हो गया, आप इन सब में मेल करके अप्लाई कर सकते हैं। कई बार क्या होता है किसी कंपनी में 4 या 5 कैडेट्स चाहिए होते हैं तो वो कंसिडर कर लेते हैं, आपको ट्रेनिंग के लिए भेज देते हैं, बट आपको एफर्ट लेना होगा, आपको खुद को अंदर से इंटरेस्ट होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपको कोई यूट्यूब पे वीडियो बना रहा है या कुछ भी बकवास किया जा रहा है, उसकी बकवास सुन के आप पैसा कर रहे हैं, नहीं। यस, बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है यूट्यूब, इंस्टाग्राम, लेकिन अपना आपको कॉमन सेंस अप्लाई करना है। ये चीज ऐसा है, शिपिंग प्रोफेशन एक्चुअली लोगों ने इसको गलत बना दिया। यहाँ पे आपको किसी को ₹1 देने की जरूरत नहीं, हम लोग इसको एजेंट फ्री बनाना चाहते हैं। बीच में कुछ एजेंट्स घुस गए हैं जो कि गुमराह करते हैं, पैसे लेते हैं, तो उन सबसे हम आप लोगों को मुक्त करना चाहते हैं कि ताकि उन लोगों के चक्कर में आप ना फंसे, क्योंकि मेहनत आपने की है, स्ट्रगल आपने की है, तो पैसा एजेंट को क्यों दे, और वो फिर एजेंट चीट करके भाग जाते हैं। तो दोस्तों मेहनत आपकी है, आपको सक्सेस होना है, और मैं जो अभी वीडियो दिखाने जा रहा हूँ jobships.com, ये jobships.com के ऊपर मैं पहले भी वीडियो बना चुका हूँ, तो मैं इस वीडियो में कंटिन्यू उसको कनेक्ट कर रहा हूँ। jobships.com क्या होता है दोस्तों, मैं थोड़ा सा ब्रीफ कर देता हूँ, उसके बाद आपको मैं अपने मोबाइल के स्क्रीन पे ले चलूंगा। jobships.com एक साइट है जहाँ पे सारी कंपनीज की ईमेल आईडी और एड्रेस दी होती है। jobships.com में आप अपनी ईमेल आईडी और पासवर्ड भी बना सकते हो, लेकिन उसके लिए आपको एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं है। लेकिन कोई बात नहीं, अगर आपकी ईमेल आईडी पासवर्ड नहीं है तब भी आप जॉब सर्च कर सकते हो। जैसे कोई OS है, मान लो उसके पास थोड़ा एक्सपीरियंस है, उसको जॉब की जरूरत है, तो वो जॉब कैसे पाएगा, वो मैं सारा इस वीडियो में एक्सप्लेन करूंगा। तो दोस्तों मैं इस वीडियो में ले चलता हूँ आपको अपने मोबाइल के स्क्रीन पर। दोस्तों यहाँ पे सबसे पहले आपको jobships.com डालना है, इस तरीके से jobships.com, देखो JO डाला मैंने, jobships.com आ गया, तो कुछ इस तरीके से खुलेगा। इसको आप यहाँ से डेस्कटॉप, जो बगल में ये 3 डॉट है, मैं दिखा देता हूँ, ये जो साइड में देख रहे हैं 3 डॉट, यहाँ पे मैंने क्लिक किया और यहाँ पे जाके आप डेस्कटॉप साइट में जा सकते हो। तो कुछ इस तरीके का लैपटॉप वाला व्यू आपको नज़र आएगा। आप देख रहे हैं jobships.com मैंने यहाँ पे टाइप किया है, तो वो कुछ इस तरीके का आ रहा है। तो उसके बाद दोस्तों यहाँ पे इस तरीके से हॉट जॉब्स, मस्क लाइन, मस्क इंडिया, OCS, ये देख रहे हैं कितनी सारी कंपनीज़ के नाम आ रहे हैं। फिर आप यहाँ पर देखेंगे मास्टर चीफ ऑफिसर, सेकंड ऑफिसर, ये ASP कंपनी ने निकाला है, फिर सैनमार ने निकाला हुआ है, इस तरीके से काफ़ी सारी कंपनियों ने फॉर्म निकाले हुए हैं। अब यहाँ पर देखो,
जॉब्स एज पर रैंक्स, यहाँ पे सारा कुछ डाला हुआ है। मास्टर में ये जो रेड कलर का डाला है 67 वैकेंसी है, सेकंड ऑफिसर में 27, रेडियो ऑफिसर में 1, डेक फिटर में 12, ओएस में 21, जूनियर ऑफिसर में 4, चीफ इंजीनियर में 86, थर्ड इंजीनियर में 25, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर में 1, ETO में 26, वाइपर में। इस तरीके से दोस्तों फिर यहाँ पे मोर पे क्लिक करेंगे तो आपको मोर आ जाएगा, जो भी वैकेंसीज है वो इस तरीके से फिर आपको सारा कुछ यहाँ पे कंपनीज के नाम आ रहे हैं वन बाय वन। देखिए प्रीमियम जॉब लिस्टेड 4 OCS का निकाला है, स्कॉर्पियो मरीन में निकाला हुआ है, क्लिक हेयर टू व्यू एड। मान लो जैसे मैं इसका लेता हूँ स्कॉर्पियो मरीन मैनेजमेंट इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, अगर मैं यहाँ क्लिक हेयर टू व्यू एड में करूँगा तो देखिए इस तरीके से ये कंपनी का गुड कंपनी, इसकी सारी डिटेल्स, फ़ोन नंबर, ईमेल आईडी, ये सारा कुछ यहाँ पे आ गया है, RPSL नंबर, इशू डेट, वैलिड कब तक है। तो इस तरीके से ये सारा कुछ, सारी डिटेल्स कंपनीज़ की आ जाती हैं। तो दोस्तों इस तरीके से आप किसी भी कंपनी का ऐड दे सकते हैं, जैसे MSC की बात करते हैं, चलो MSC क्रूइंग सर्विस प्राइवेट लिमिटेड, अर्जेंटली रिक्वायर्ड मास्टर चीफ ऑफिसर चीफ, और यहाँ पे क्लिक हेयर टू व्यू एड पे क्लिक करेंगे तो इस तरीके से देखिए MSC के बारे में आ गया, वर्क विथ एज ओनरशिप कंपनी, MSC ऑफर द बेस्ट टर्म एंड कंडीशन, इंटरनेट ऑन बोर्ड, इंडियन फूड, वन ऑफ द बेस्ट राउंड द ईयर मेडिकल इंश्योरेंस स्कीम इन द इंडस्ट्री एंड अ सेफ एनवायरमेंट टू वर्क, रिक्वायर मास्टर एंड चीफ ऑफिसर फॉर लार्ज कंटेनर वेसल 15,000 to 24,000 TEUs। इस तरीके से इसका RPSL नंबर, लाइसेंस नंबर, और नीचे दिया हुआ है क्लिक हेयर टू अप्लाई फॉर दिस जॉब, फिर यहाँ पे आप क्लिक करके अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों मैं ज़्यादा वीडियो को खींचूंगा नहीं, आपको शॉर्ट में बता दिया। इस तरीके से ये सारी कंपनीज मॉल, ये सारी मस्क हो गया, ASP, सनमार इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, वॉलम, वी ग्रुप, तोलानी, जितनी सारी कंपनी है, ईगल स्टार, देख रहे हैं दोस्तों इस तरीके से सारी कंपनी, सिनर्जी, मस्क टैंकर्स, इस तरीके से सारा कुछ इसमें दिया होता है। इसमें शोर जॉब वगैरह का भी दिया होता है, इधर नोटिस बोर्ड पे भी आप पढ़ सकते हैं क्या निकाला हुआ है मरीन स्टडीज़ के लिए। इस तरीके से जब आप इस साइट पर ये करेंगे, विजिट करेंगे, तो आपको सारी नॉलेज पता चल जाएगी। फिर यहाँ पे ऊपर एक और फीचर्स है, मैं आपको दिखाता हूँ, जहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं जॉब के लिए। ये देखिए सर्च जॉब कैंडिडेट, क्लिक हेयर टू लॉग इन, क्लिक हेयर टू रजिस्टर। जब आप रजिस्टर करेंगे तो यहाँ पे आप अपनी रजिस्टर ईमेल आईडी और पासवर्ड बना सकते हैं। सेलेक्ट योर रैंक ऑल शिप्स, सेलेक्ट शिप। अभी सपोज डैट कोई बंदा है जिसकी रैंक है, मान लो OS है, मास्टर चीफ ऑफिसर, यहाँ पे सारी रैंक दी हुई है, या रेडियो ऑफिसर, डेक कैडेट, ट्रेनिंग कैडेट, बोसन, डेक फिटर, AB, चलो AB की मान लेते हैं, या OS बोलते हो आप, OS की जॉब सर्च करनी है तो मुझे OS पे क्लिक करना होगा, ठीक है। OS पे क्लिक करके मैंने सेलेक्ट द शिप किया, उसके बाद ये सबमिट पे क्लिक कर दिया। अब आप देखेंगे सब कंपनी, जिस कंपनी में OS की वैकेंसी निकली होगी वो यहाँ पे आ जाएगा। जैसे प्रीमियम जॉब लिस्टिंग ऑफ ये देखोगे OCS सर्विस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, तो ये रेड कलर का OS लिखा हुआ है, तो यहाँ पे OS की वैकेंसी है। उसके बगल में आप यहाँ पे क्लिक हेयर टू व्यू एड में जाएंगे और यहाँ पे इस कंपनी की सारी डिटेल, ईमेल आईडी, सब कुछ आ गया, और यहाँ पे क्लिक हेयर टू अप्लाई दिस जॉब में आराम से एक्सेस कर सकते हैं। तो दोस्तों आपने देखा इस तरीके से ये सारी कंपनीज़ में OS की वैकेंसी निकली है, पेंटागोन हो गया, ओशियन वन शिप मैनेजमेंट हो गया, BWD मरीन हो गया, MMS मैरीटाइम हो गया, और आपको उधर एक्सेस करना है तो क्लिक हेयर टू व्यू एड में जाके आप एक्सेस कर सकते हैं और अप्लाई कर सकते हैं। मैंने बहुत शॉर्टकट में ये वीडियो बताई है, ये सिर्फ बताया है OS के लिए। इस तरीके से आप कोई भी रैंक का फाइंड आउट कर सकते हैं। मान लो जैसे AB का करना है तो AB के लिए फिर मैंने सबमिट कर दिया, AB सर्च मारा, अब इस तरीके से रेड हाईलाइट हो गया, इन चेलाराम में AB की ज़रूरत है, पेंटागोन में, ओशियन में, बर्नाल सुल्टे में, BW मरीन में, ग्रेट ईस्टर्न में AB की ज़रूरत है, जिस कंपनी में AB की ज़रूरत है सबके नाम यहाँ पर आ जाएंगे। तो दोस्तों मैंने ये बहुत शॉर्टकट में आपको बताया है, होपफुली ये वीडियो आपको पसंद आएगी। मुझे फीडबैक ज़रूर दीजिएगा ये वीडियो कैसी रही। मैं मिलूँगा फिर अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।